एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है रतिया के सिंह हॉस्पिटल में। मौत पर परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही की, सही इलाज नहीं हुआ जिस वजह से बच्ची की मौत हुई। डॉक्टर पैसे मांग रहा था बार बार, इस वजह से उनकी बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिजनों का आरोप डॉक्टर ने पैसे जमा करवाने को लेकर उनके बार बार कहने पर भी बच्ची को रेफर नहीं किया जिस वजह से उनकी बच्ची की मृत्यु हुई। आक्रोशित परिजनों द्वारा हॉस्पिटल के शीशे तोड़े गए। सूचना मिलने पर शहरी थाना अध्यक्ष जगदीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अस्पताल के मेडिकल अफसर प्रदीप कुमार का कहना है कि बच्ची का इलाज नियम के अनुसार किया है, बच्ची के परिजनों ने अभी तक कोई भी पैसे जमा नहीं करवाए थे। थाना अध्यक्ष जगदीश कुमार ने शिकायत मिलने पर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप। अच्छा, एक मामला आया है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे की पैसों के कारण हत्या कर दी गई है डॉक्टर द्वारा, तो इसके ऊपर आपका क्या? सर, पैसा अभी तक एक पैसा भी जमा नहीं हुआ, 4 दिन से तीन कंप्लेंट के साथ आए थे। पहले लोकल सरकार गांव के डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेटरिंग में खून आ रहा था उनका, ठीक है, और लेटरिंग का खून रुक गया था, 2 दिन हुए थे, और उसके बाद लीवर में सोजिश आई थी और उनको ले जाने के लिए भी बोल दिया गया था। फिर आज सुबह ले जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन फिर भी रुक गए थे। हमने कहा पैसे जमा करवाए, वो कह रहे पैसे डॉक्टर साहब से बात करके फिर जमा करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब से जब उनका 8,000 रुपये बिल बना था, तो 4 दिन का, तो ना दवाइयों का दे रखे थे ना किस चीज़ का पैसा दे रखे, ठीक है, उनके सीरियस के लिए फाइल पे साइन करवा रखे थे, सारी चीज़ों के वो रखे थे, ठीक है। खून चढ़ाने के लिए बोला गया था उनको, तो खून चढ़ाने के लिए बोला गया तो खून के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम पराया खून नहीं चढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें हुई थी। और आज सुबह वो रेफर भी किया था हमने आया सेंटर पे, तो लेके जाने की वो कर रहे थे, तो सुबह बिल के चक्कर में अभी तक उन्होंने एक पैसा जमा नहीं करवाया था। उनका कहना है कि हम 20,000 रुपये दे चुके हैं। 20,000 काफी दे रखे, काफी कोई स्लिप कटी होगी ऐसा पता लगता है। तो उनका ये भी कहना था कि हम 20,000 रुपये दे चुके हैं और पैसे मांगे जा रहे थे जो हमारे पास नहीं दिए गए, तो इसी कारण बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं किया गया। 20,000 रुपये का स्लिप तो देंगे ना, बिल हॉस्पिटल का बिल तो होगा, बिल दिखा देंगे अगर ऐसा है तो। और तोड़ फोड़ अभी आधे घंटे क्या नाम है तोड़ फोड़ करके गए बेफालतू के, ड्रिंक उन्होंने सभी ने कर रखी थी, 2-3 तीन लोग थे, तीनों ने ड्रिंक कर रखी। सर नाम थोड़ी ना याद, फादर थे प्रेम सिंह उनके, हाँ जी। तोड़ फोड़ किस चीज से की गई है? तोड़ फोड़ वो शीशा कर रखा है, आप देख सकते हो, बाहर देख सकते हो। कोई हथियार है एक सिंपल कुछ सिंपल आपसिक पता नहीं कहा किससे किया है, हम उस टाइम नहीं देख सकते, कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जो तोड़ फोड़ उस मामले में शिकायत किया है। मेरा अनूप कुमार नाम है। अच्छा, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, हाँ जी, मैं टोहाना से हूँ। मेरी एक बेटी थी, भतीजी है मेरी। आप कहाँ से हो? मैं टोहाना से सर। अच्छा, और मेरी रिश्तेदारी है यहाँ, मेरी साडू की लड़की थी, 4 तारीख से यहाँ दाखिल थी, ठीक है जी। 4 तारीख को उसको लूज मोशन हो गई, लूज मोशन, ठीक है जी। लूज मोशन होने के कारण वो बेटी को यहाँ ले आए, डॉक्टर साहब ने उनको एडमिट कर लिया, लेटरिंग में खून आ रहा था काफी, ठीक है। पेशेंट ज्यादा सीरियस था, डॉक्टर साहब ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने बोला हम इनको ठीक कर देंगे। 4 दिनों से लगातार ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट, पैसे पे पैसा, पैसा जमा कराओ, पैसा जमा कराओ। हालांकि पेशेंट पुअर था, उन्होंने पैसे भी जमा करवाए, मगर डॉक्टर ने आए मौके पे उनको पैसे न जमा कराने की वजह से उसको मार दिया गया। कब हुई उसकी डेथ? आज सुबह हुई है, रात को भी, कल भी हमने बोला है कल भी हमने बोला डॉक्टर साहब आप बस की नहीं है कि उसको जवाब दे दो, हम टोहाना ले जाते हैं, पतेवार ले जाते हैं, हिसार ले जाते हैं, मगर डॉक्टर ने हमें छुट्टी नहीं दी, नहीं हम ठीक करेंगे। अभी सुबह भी मैं आके टोहाना से आया हूँ, सुबह आते डॉक्टर साहब को मैंने मिला, मोटर से करके बैठी है, बोलो कि नहीं ठीक हो जाएगी, अभी टेस्ट चल ही रहे थे, तो उसी दौरान बीच में बच्चे ने सांस तोड़ा। कितनी उम्र थी बच्ची? 8 साल। इसमें आप क्या मानते हो डॉक्टर? डॉक्टर निर्दोष, ये डॉक्टर दोषी है। अच्छा जी, हाँ जी, डॉक्टर ने पूरा इलाज नहीं किया, ठीक है। आप ये भी कह रहे हो भी पैसों के कारण? हाँ, पैसे डॉक्टर ने अभी अपने मुंह से वर्डिंग की है कि इन लोगों ने पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से मैंने बेटी की हत्या। पहले कितने पैसे दे दिए होंगे लगभग, बात करें? मेरे ख्याल से कम से 15-20 हज़ार रुपये हमारे जमा हो चुके हैं। अच्छा, और कितने मांगे जा रहे थे? अभी सुबह अभी बोला था मैं आऊंगा, पहले सुबह राउंड पे आए थे, जब शहर से आते हैं तो राउंड करने आते हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? हॉस्पिटल का क्या नाम है? सिंह हॉस्पिटल, जो सबसे रतिया के अंदर एक नंबर पे बेकार हॉस्पिटल माना जा रहा है, जो मेरे को सुनने में आई है, पहले भी कई हत्याएं यहाँ हो चुकी। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस को सूचना दे चुके हैं। अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या कदम रहेगा? अनिल विज जी रहेंगे हमारे।